Hello students welcome to dakshna e classroom so guys how are you all i hope you all are well happy healthy and enjoying so let's start the new lecture of electricity so till now what we have discussed we have discussed about current charge voltage potential difference then resistors and resistivity parallel connection of resistors series connection of resistors then the combination of both series and parallel so in the last class we had done some questions where we had the combinations of series and parallel अगेन बोथ इन सर्किट, राइट सो हमने आर इक्वल निकाला हमने करेंट निकाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी सीरीज कनेक्शन देखना है सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होना चाहिए एंड टू एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड होना चाहिए और उनके बीच में कोई वहां पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए देन दैट इज गोइंग टू बी इन सीरीज और अगर हम पैरल की बात करें तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमने दो तीन रजिस्टर्स लगा दिए ऑल दो आर इन पैरल ठीक है तो इस तरीका तरीके की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अभी नहीं आएंगी बट जब जब आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इसी चैप्टर को ये गोइंग टू सॉल्व वेरियस ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम है ना बहुत छोटी से लेकर के बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम तक भी आप सॉल्व करेंगे तो अभी तक तो हमने सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन और क्वेश्चन देखना था हमने कर लिया और आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर भी होंगी सो नाउ लेट स्टार्ट दी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द डिफरेंस डिफरेंस आपको समझ में आगे सीरीज पैरेलल में उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं सीरीज और पैरेलल के अगर आप सोचने की कोशिश करो थोड़ा सा पॉज करके सोच के देखो कि सीरीज में क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है पैरेलल में क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है तो अधिकतर अगर हम देखें तो हमारे जो डोमेस्टिक जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं क्योंकि आपने क्या देखा कि सीरीज में व्हेन वी आर कनेक्टिंग द रेजिस्टर्स या फिर अप्लायंसेस इन सीरीज लेकिन हमारे घर में जो अलग अलग तरीके के जो अपलायंसेज होते हैं उनको सभी को सेम करेंट की जरूरत नहीं होती है ऑल ऑफ देम रिक्वायर अ डिफरेंट करेंट वैल्यू राइट आपने कैलकुलेट भी किया हमने पहले प्रॉब्लम की कहीं पे हमने बल्ब लिया कहीं पे हमने रजिस्टर लिया और हमने देखा कि अगर हम जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है टू ट्वेंटी वोल्ट उस पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक बल्ब है वो अलग करंट लेता है एक आयन है वो अलग करंट लेता है, एक है, वो अलग लेता है। उससे ज्यादा करंट उसमें जाएगा करेक्ट पहली चीज ये तो सीरीज में कनेक्ट करने का डिसएडवांटेज ये है अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कनेक्ट डिवाइड करंट डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टिविटी आई मीन रेजिस्टेंस है ना उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा करंट तो जिस अप्लायंस को या जिस एलिमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके पास उतना ही करंट जाएगा ठीक है तो पैरल का ये एडवांटेज है हमारे पास दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है सीरीज में कनेक्टेड है ठीक है उसमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक अप्लायंस अगर खराब हुआ कोई भी एक अगर खराब हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा राइट right? पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अगर सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं ठीक है थीके? हर आ, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो मान लो आपके पास ऐसे फोर अप्लायसेस है जो कनेक्टेड हैं और हमने यहाँ पे ये सोर्स हमने लगा दिया ठीक है अब यहाँ पे करेंट सब में सेम फ्लो हो रहा है रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है तो पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सारों को सेम वोल्टेज आ, सेम करंट मिलेगा दूसरा मान लो इसमें कुछ फॉल्ट आ गया या फिर इस बल्ब में कुछ फॉल्ट आ गया कुछ फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे इट विल ब्रेक द सर्किट और जब इसने सर्किट ब्रेक किया तो ये बाकी अप्लायंट भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्किट अगर किसी भी एक पॉइंट पे अगर ब्रेक हो गया तो ये पूरा का पूरा सर्किट फिर बेकाम हो गया सो तो ये ये और ये ये तीनों भी वर्क नहीं करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने का दूसरा डिसएडवांटेज ये है अब मान लो इन्हीं को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते ये एक है ये दूसरा रजिस्टर तीसरा रजिस्टर एंड ये हो गया आपका बल्ब ठीक है इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते ये है सप्लाई तो क्या होता कि लेट से अगर ये ब्रेक हो भी गया तो ये बाकी सर्किट तो बाकी सर्किट तो चल रहे है ना ये अभी भी कंप्लीट है इस ब्रांच से अगर हम देखें तो ये यहां से भी करंट फ्लो हो सकता है यहां से भी करंट फ्लो हो सकता है यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकता है तो सिर्फ आपका ये सर्किट ये जो अप्लायंस है ये खराब हुआ तो सिर्फ ये जाएगा बाकी अपना काम करते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे पैरेलल में अगेन दूसरा एडवांटेज ये है तो सिर हमारे घरों में जो सप्लाई आती है या हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली पैरेलल जैसे आपने दिवाली में या फिर जब भी कोई फेस्टिवल होता है उसमें आप एलईडी वाली लाइट छोटे छोटे यूज करते हैं तो उसमें कनेक्शन सारा सीरीज होता है एंड वहां पे अगर कोई एक भी लाइट फ्यूज हो ना तो उसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि एक फ्यूज हुआ तो वो पूरे के पूरे को खराब कर देगा सो एट दैट टाइम हमें वहां पे दिक्कत होती है ढूंढने में क्योंकि एक खराब हुआ पूरे के पूरे बंद हो गए जलना बंद हो गए अब हमें पता ही नहीं कौन सा खराब है सो so सीरीज का ये डिसएडवांटेज है और पैरेलल में एक तो क्या होगा उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही करंट जाएगा दूसरा क्या है कि दूसरा यहाँ पे एक कोई और एक अगर अप्लायंस खराब हुआ तो पूरे का पूरा सिस्टम हमारा खराब नहीं होगा सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्रांच को आप रिमूव कर दो बाकी अपने आप काम करती रहेंगी सो दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस अब यहाँ पे इसके बाद एक और डिसएडवांटेज है ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन लेकिन जब हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रिक जो पावर है उसको पढ़ लेंगे तब हम उसके बारे में बात कर पाएंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है ंग टू बी इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अब यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा करेंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं है ना तो यहाँ पे अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लग जाते हैं हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है या बेसिकली हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है जैसे हमने क्या कहा कि हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा करके लेके जाएंगे तभी तो उसको वहां से रिलीज करेंगे तो वो नीचे आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि हमें उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा अगेंस्ट ग्रेविटी हमको उस पे कुछ काम करना पड़ा तब फिर वो मूवेबल हो पाया तो उसी तरीके से हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है तब जा करके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है तो पर यूनिट चार्ज जो हमें वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है अगर हम यूनिट चार्ज को इस जगह से इस जगह पे लेकर के आते हैं और अगर हमें वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू तो क्या होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है वो कितना होगा डब्ल्यू होगा ठीक है ना अगर यहाँ पे चार्ज हम वन रख दें जैसे वन वोल्ट का डेफिनेशन मैंने आपको शायद बताया था तो वन वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि वन जूल वर्क करना पड़ा हमें वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने के लिए लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम चार्ज को वन कूलम चार्ज को लेके गए और हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वन जूल तो उस केस में उन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा वन वोल्ट होगा राइट इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है तो बेसिकली किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कौन काम कर रहा है बैटरी है ना बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है बैटरी इज बॉस इन सर्किट। बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी अगर नहीं है तो मूव नहीं करेंगे या कोई भी पावर सप्लाई अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा तो कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे बैटरी वर्क करे यहाँ पे बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रही है जब एनर्जी सप्लाई कर रही है तब जाकर के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अब ये, अगर हम ये बात करें कि, कि किसी भी टाइम टी में किसी भी टाइम टी में कितना एनर्जी सप्लाई करेगी ठीक है किसी भी टाइम टी में कितना एनर्जी सप्लाई करेगी तो पहली चीज अगर यहाँ पे हम बात करें तो वर्क डन वर्क डन कितना है अगर हमारे पास Q चार्ज है अगर एक कोलम चार्ज है एक कोलम चार्ज है तो उस उसमें जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पे हम वन रख दें तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो वन कोलम चार्ज के लिए जो वर्क डन है वो कितना है V है तो Q कोलम चार्ज के लिए कितना होगा Q कोलम चार्ज के लिए हो जाएगा Q इन वी या फिर सिंपली आप यहां से देख लो ना कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वी लेट से आपके पास कोई एक रेजिस्टर है ठीक है और यहां से चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है क्यू चार्ज ठीक है क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और क्यू चार्ज को फ्लो कराने में अगर हमें वर्क करना पड़ा डब्ल्यू तो हम क्या लिखेंगे कि इसके एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस अब आपको मान लो कि W नहीं गिवन है आपको गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक रजिस्टर इज वी एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी इसका मतलब यहां से यहां अगर हमको एक को मूव कराना है क्यू चार्ज को अगर मूव कराना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा हमें वर्क करना पड़ेगा हमें पता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू द वर्क डन द वर्क डन टू मूव चार्ज Q Q चार्ज को यहां से यहां मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा करना पड़ेगा हमें वी इंटू क्यू कौन करेगा ये तो यहां पे हमें इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे राइट right? तो जब हम यहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे वो ये वर्क करेगा कितना वर्क करना पड़ रहा है वी इंटू क्यू राइट तो अगर यहां पे मान लो अभी हमने सिर्फ क्या कहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्यू चार्ज मूव किया नाउ नाउलेट से वो क्यू चार्ज जो मूव किया है क्यू चार्ज हैज़ मूव्ड इन टाइम टी अगर ये जो क्यू चार्ज है कितने देर में मूव किया है टाइम टी में मूव किया है ठीक है तो यहाँ पे पहले चीज वर्क डन तो आ गया v इंटू क्यू अगर इस चार्ज को मूव कराने के लिए v इंटू क्यू वर्क डन करना पड़ा हमें पता है कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं इक्वलेंट चीजें होती हैं दोनों की क्वांटिटी जूल होती है ठीक है तो इसको अगर मूव कराने के लिए हमें या फिर बैटरी को v into q वर्क करना पड़ा इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि v into q एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी v into q राइट right? अब यहां पे ये एनर्जी अगर ये एनर्जी या फिर ये जो चार्ज है ये अगर टाइम t में मूव करता है तो हमें टाइम t में इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्या हो रहा है यहां पे किसी

पावर होता है एनर्जी सप्लाइड या फिर एनर्जी बाय टाइम या फिर वर्क डन बाय टाइम दोनों बोल सकते हो तो चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है वी इंटू क्यू या फिर चार्ज को मूव कराने के लिए कितनी एनर्जी देना पड़ रहा है वी इंटू क्यू तो क्या लिखेंगे वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर ये इलेक्ट्रिक पावर किसका है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द बैटरी कितना इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड किया जा रहा है V V Q और हमें पता है है? कि क्या होता रेट ऑफ़ ऑफ़ फ्लो चार्ज एंड तो करेंट कितना बनेगा करेंट विल बी Q बाई टी कितना करेंट बनेगा इसमें आई इज इक्वल टू बनेगा क्यू बाई टी क्लियर है तो यहां से हमारे पास क्या आया इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी ठीक है तो इतनी इनर, इतना पावर जो है वो सप्लाई किया जा रहा है या फिर आप क्या बोल सकते हो कि ये रेजिस्टर जो है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है पावर सप्लाई एक पावर सप्लाई करेगा दूसरा पावर कंज्यूम करेगा राइट तो यहां पे कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये V इंटू आई कितना पावर V इंटू आई और अगर आप एनर्जी की बात करो इसका जो ये पावर का मतलब क्या होता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन कंजम्पशन या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड कोई एनर्जी दे रहा है कोई एनर्जी ले रहा है तो यहाँ पे क्या है रेट ऑफ एनर्जी कंजन या फिर प्रोवाइडेड तो एनर्जी कितना होगा एनर्जी कि, क्या होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम अगर आप पर यूनिट टाइम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो पावर क्या होता है रेट ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम तो अगर आप यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो टी टाइम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पावर है v into I, और कितना है हम t में एनर्जी कितनी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना तो t तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी एनर्जी पावर इज इक्वल टू क्या है पावर इस रेजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया या फिर इस रेजिस्टर इस बैटरी ने कितना पावर प्रोवाइड किया या फिर पावर डेवलप किया या फिर पावर सप्लाई किया तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम या फिर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम और यहां है वही काम टाइम t में इसका मतलब V इंटू आई सो हमेशा पावर इज इक्वल टू क्या होगा V इंटू आई ये बैटरी इतना अगर ये प्रोसेस में इस प्रोसेस में रेजिस्टर ने इतना पावर कंज्यूम किया और प्रोवाइड किसने किया बैटरी ने प्रोवाइड किया क्लियर है ये चीज और अगर हमें एनर्जी निकालना है ठीक है ये है रेट ऑफ एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी मतलब यूनिट टाइम में हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं यूनिट टाइम में अगर इतनी एनर्जी दे रहे हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर हम यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी दे रहे हैं यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब टी टाइम में कितनी एनर्जी देंगे तो वी इंटू आई इंटू टी और इसको हाँ चलो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे भाई किसी भी टाइप की एनर्जी हो हीट एनर्जी हो साउंड एनर्जी हो कोई भी टाइप की एनर्जी हो हम लोगों के पास जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है जूल ही है ठीक है ना और पावर की यूनिट क्या है पावर की यूनिट है वॉट एसआई si यूनिट है ना पावर की यूनिट क्या है एसआई यूनिट वॉट एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल तो ये भी क्या है दिस इज दिस इज वॉट क्लियर है इतना अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड की गई ये जो एनर्जी प्रोवाइड की गई फ्रॉम द बैटरी ये कहाँ जा रही है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना आपने देखा होगा कि बल्ब जो है वो थोड़ी देर उसको चालू रखो तो वो गर्म हो जाता है क्लियर है या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की अगर आप बात करो उसको आप थोड़ी देर यूज़ करो तो वो गर्म हो जाता है आप फ़ोन लैपटॉप बल्ब हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको काफ़ी देर के लिए ऑन रखो तो गर्म हो जाता है इसका मतलब ये जो रजिस्टर्स हैं या रेजिस्टर जो होता है इसकी आदत क्या है इसकी आदत है करंट को रोकना है ना करंट को अच्छे से अलाउ नहीं करने देना तो ये क्या करता है इट जनरेट्स हीट जनरेट मतलब नॉट जनरेट्स ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये जो तो रेजिस्टर है कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी ठीक है जैसे हमने कहां कहां ऑब्जर्व किया है कई जगह इस चीज का फायदा उठाया जाता है इस एप, इसको एप्लीकेशन की तरह यूज किया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें हमारे घर में हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयन होते हैं है ना प्रेस करने के लिए जो तो उसमें हम चाहते हैं कि वो जो प्लेट है वो गर्म हो ताकि हमारे कपड़े जो है उनको हम आयन कर सकें वैसे ही दूसरा होता है इलेक्ट्रिक हीटर पानी गर्म करने के लिए और भी कई चीजों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज होता है ठीक है ठंडियों में सेकने के लिए हाथ पैर तो इलेक्ट्रिक हीटर आल्सो यूजेस दिस कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी करेक्ट तीसरा क्या है इलेक्ट्रिक केटल होती है तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जहां पे हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और कई जगह पे हम नहीं चाहते फिर भी ये होता है इसलिए उन केसेस में क्या किया जाता है उस केस में कोशिश किया जाता है कि रजिस्टर सिस्टम का कम से कम हो रजिस्टेंस कम से कम हो राइट तो अब ये जो हीट जो बनती है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट बनती है कैसे बनती है ये हम थोड़ा सा देखेंगे कितना अमाउंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जैसे अगर हम बात करें जो आ, हमारे पास जो बल्ब होते हैं फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं फिला, फिलामेंट वाले बल्ब जो होते हैं वो लाइट प्रोवाइड करते हैं बट साथ ही साथ वो गर्म भी हो जाते हैं तो वहां पर भी रीजन क्या है वहां पर भी रीजन यही है कि उस फिलाेंट बल्ब को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है इट गेट्स मेल्टेड और वो मेल्ट हो करके सॉरी नॉट इट इट नॉट गेट मेल्टेड तो हमारे पास जैसे जो बल्ब होते हैं फिलामेंट वाले उसमें भी क्या होता है? Also, वहां पे उस, वहां पे अंदर होता है है दिस इज वहां वहां पे पे उस अंदर मेटल टंगस्टन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है उसको जब बहुत हाई हीट प्रोवाइड की जाती है जैसे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई तो वो गर्म होता, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक पॉइंट के बाद इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट तो जो हमारे पास जो बल्ब होते हैं ना टंगस्टन वाले उन बल्ब में भी ये कंसेप्ट किया जाता है वहां पे जब आपका जो टंगस्टन का जो वहां पे फिलामेंट है वो जब गर्म हो जाता है देन इट लाइट तो वहां पे थोड़ा सा ही अमाउंट लाइट में कन्वर्ट होता है लेकिन काफी अमाउंट हीट में कन्वर्ट होता है लाइट इज ऑल्सो एनर्जी हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी तो कुछ अमाउंट लाइट में कन्वर्ट होता है कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट होता है तो अगर हमारे पास कोई आर रजिस्टर है कोई रेजिस्टेंस uh, है कोई रेजिस्टर है ऑफ वैल्यू आर तो उसमें कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी हमें वो देखना है कितनी हीट एनर्जी बनेगी तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास पी इज इक्वल टू वी इंटू आई या फिर एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है उसमें करंट आई जा रहा है राइट तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा वो

नो no, तो वहां पे कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर एक आर रेजिस्टर है ठीक है आर रेजिस्टर है और पूरा का पूरा अगर वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है तो ये जो एनर्जी उसको बैटरी से मिलेगी ये पूरी की पूरी वो कन्वर्ट कर देगा हीट में राइट पूरी की पूरी कन्वर्ट कर देगा हीट में तो अगर किसी रजिस्टर से किसी रजिस्टर से आई करेंट फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो वो टाइम टी में कितनी हीट एनर्जी जनरेट करेगा कितनी हीट एनर्जी जनरेट करेगा V इंटू आई इंटू टी वी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I है उसमें करंट जो फ्लो फ्लो हो रहा है और टाइम T इसी को अगर हम R के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे तो यहां पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है V I है ठीक है तो यहां से वॉट आई कैन राइट V इज इक्वल टू आई आर वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं उसी को यहां लिख दो V इज इक्वल टू आई आर तो ये हो गया आई आर इन टू आई इन टू टी क्या बन जाएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर इंटू टी आई स्क्र आर इंटू टी तो ये है आपका इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है कि कोई एक रेजिस्टर अगर आर वैल्यू का रेजिस्टर है राइट और उसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो टाइम टी में कितनी एनर्जी कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी

दूसरा क्या है प्रपोर्शनल टू इट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड थर्ड क्या है प्रपोर्शनल टू द टाइम जितना ज्यादा लंबा टाइम अगर कंटिन्यूसली आप continuously एक आर करंट आई फ्लो करा रहे हैं फॉर से तो कितना हो जाएगा मान लो ये वन एम्पियर करंट है रेजिस्टेंस वन ओम है और यहाँ पे आपने वन आर के लिए फ्लो कराया तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड क्योंकि हमें जूल में निकालना है ना अगर हमने क्या किया कि वन एम्पियर का करंट वन ओम रेजिस्टेंस में वन आर के लिए आर मतलब three hundred, three इतनी देर के लिए अगर फ्लो कराया तो कितनी एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो आई आर टी मतलब थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जूल इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा राइट तो अगर एक रेजिस्टर कंप्लीटली रेजिस्टर अगर वो प्योरली है, है? ठीक अगर वो प्योरली रजिस्टर है तो वो कितनी एनर्जी उसमें हीट हीट में कन्वर्ट हो जाती है जितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे पूरी पूरी की पूरी हीट में अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या आ जाएगा पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम या फिर रेट यहां पे हम क्या बोलेंगे केस ऑफ रजिस्टर क्या बोलेंगे रेट ऑफ हीट डिसिपेशन किस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है किस रेट से हीट निकल रही है तो वो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी दई स्क्र आर क्या आ जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर तो अगर आपको करंट गिवन है मान लो किसी क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है ठीक है आपको किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्टली पावर निकालने बोलेगा रेट ऑफ हीट डिसिपेशन निकालने बोलेगा तो डायरेक्टली आई स्क्वायर आर कर देंगे अगर आपको टाइम दिया कि इतने टाइम में बताओ कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी तो टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें पावर निकाला और टाइम मल्टीप्लाई कर दिया मान लो आपको आई नहीं गिवन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो क्या हम उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं यस yes. तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं आई को आई इज इक्वल टू वी बाई आर पोटेंशियल तो यहां पे लिख दो वी बाई आर होल जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वाइडेड बाई आर स्क इंटू आर सो इज इज इक्वल ठीक है तो अगर आपको है, है, तो है, तो आप आप से से कर कर सकते सकते हैं. हैं. अगर आपको क्या गिवन है कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v, current flow हो रहा है आई और आपको इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है तो so डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं और हर बार जब आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी के लिए वी इंटू आई इन टू टी ये एनर्जी बन जाएगा इसको अलग से लिखेंगे यहां पे तो तो ये एनर्जी बन जाएगा क्लियर है है तो किसी भी रेजिस्टेंस में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, वो अगर आपको निकालना है तो आप इन तीनों तरीकों से कर सकते हैं अब इसके एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया दो तीन एप्लीकेशन दो तीन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं तो इलेक्ट्रिक केटल है फिर उसके बाद आपके पास अम, आयरन है ठीक है बल्ब है बल्ब में टंगस्टन वायर क्यों यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे हम लोग उस फिलामेंट को हीट होने दे रहे हैं और बहुत हीट होने के बाद फिर वो इट स्टार्ट एमिटिंग लाइट उसमें से लाइट निकलने लगती है तो उसकी ऐसा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए कि वो जल्दी मेल्ट ना हो ठीक है क्योंकि जल्दी मेल्ट हो गया अगर हीट प्रॉपर हो, होने के बाद लाइट एमिट करता वो और उससे पहले ही वो मेल्ट हो गया तो फिर कैसे लाइट बनेगी तो टंगस्टन जो होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी डिग्रीज होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। इसका होता है थ्री एट्टी डिग्री सेल्सियस बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट तो उसके तो हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं टंगस्टन का यूज करते हैं मटेरियल फॉर बल्ब फिलामेंट। और फिर उसको थोड़ा सा उस जब हम लोग बल्ब बनाते हैं तो उसके अंदर जो नॉन रिएक्टिव जैसे नाइट्रोजन गैस है एंड टू उसके बाद एर्गन गैस है ये जो थोड़ी सी इनएक्टिव गैसेस होती हैं वो फिल किया जाता है कि वहां पे वो रिएक्शन ना हो कुछ तो, ठीक है तो उसको फिर वो जो बनाते हैं ना हम लोग कांच का उसके अंदर ये गैसेस भरी जाती हैं इसमें से कोई एक गैस भरी जाती है और अंदर जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है टंगस्टन का मटेरियल होता है इसके अलावा और एक जो एप्लीकेशन है ऑफ जूल्स ऑफ हीटिंग वो है फ्यूज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर घर में फ्यूज लगे होते हैं तो फ्यूज में क्या होता है हमें पता है

जब भी हमें अप्लायंसेस को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट से ज्यादा करंट अलाउ नहीं करना है ऐसा गिवन हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए फ्यूज और ऐसा फ्यूज की मान लो हम ऐसा फ्यूज यूज करें कि उस पर्टिकुलर करंट से ज्यादा अगर होता है तो उसमें कुछ इस तरीके से हीट जनरेट हो कि वो फिर मेल्ट हो जाए क्लियर है तो हम लोग जैसे जो मटेरियल यूज करते हैं ये एल्यूमिनियम हो गया कॉपर हो गया ठीक है और लेड हो गया तो ये सब मटेरियल हम यूज करते हैं बेसिकली क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा हुआ है और उसमें उसके रास्ते में हमने ये लगा दिया फ्यूज ठीक है ये फ्यूज लगा दिया हमने अब यहाँ पे क्या होगा ये फ्यूज भी हम फ्यूज जो बनता है फ्यूज बेसिकली एक वायर है फ्यूज क्या है एक बेसिकली वायर है ये इन इन मटीरियल का वायर है वो अब इसमें जब करेंट फ्लो होगा मान लो इसकी रेटिंग है फोर पॉइंट फाइव या फोर पॉइंट एट एम्पियस की फोर पॉइंट एट एम्पियस से ज्यादा इसमें करंट नहीं जाना चाहिए ठीक है फोर पॉइंट एट से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए कई बार ऐसा होता है ओवर वोल्टेज ओवर करंट ये सब प्रॉब्लम हमारे घरों में होती है और फिर हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया है ना तो क्या होता है कि जब इस करंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये डैमेज हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि डैमेज हो तो उस केस में क्या होता है कि ये हम इसकी रेटिंग इस फ्यूज की रेटिंग हम रखेंगे फाइव एम्पियर ठीक ठीक है, थीक है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए एक सेकेंड के लिए तो चलेगा तो यहाँ पे हम इसकी तो डैमेज कर सकता है तो इस फ्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये ब्रेक होना चाहिए ब्रेक होना चाहिए एट फाइव एम्पियर तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा ठीक है उसका कुछ रेजिस्टेंस हम लेंगे और उसमें अगर फाइव एमपीयर करेंट आया फाइव एमपी करेंट अगर आया तो बिकॉज ऑफ आई हीट जनरेट हो जाएगी ठीक है पे हीट जनरेट हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगा गर्म होके ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके ये सर्किट को ब्रेक कर देगा तो फ्यूज का काम आई होप आपको सबको ऑलरेडी मालूम है फ्यूज क्या करता है तो यहाँ पे क्या है कि करंट जब जरूरत से ज्यादा करंट हो तो इसकी भी रेटिंग फिक्स होती है हमारे पास जैसे जो आते हैं वन एम्पियर टू एम्पियर थ्री एमपियर फाइव एम्पियर टेन एम्पियर ऐसे फ्यूजेस हमारे पास होते हैं तो जहां पे जैसे किसी अप्लायंस का अगर रेटिंग है मान लो 9.5 पॉइंट फाइव की 9.5 या 9.8 पॉइंट से ज्यादा करंट उसमें नहीं जाना चाहिए तो हम कौन सा फ्यूज यूज करेंगे हम ये फ्यूज यूज करेंगे

तो अगर जरूरत से ज्यादा करंट हुआ तो उस इस फ्यूज के लिए जैसे ये जो फ्यूज लगा हुआ है इसके लिए भी एक फिक्स करंट ही है कि भाई अगर पांच एम्पियर आया तो ये बर्न आउट हो जाएगा अगर जैसे अगर हम दूसरा रेटिंग कर 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 तो लेंगे तो, तो ये बर्न आउट हो जाएगा अब मान लो इसको फोर पॉइंट एट एम्पियर करेंट चाहिए और आपने यहाँ फ्यूज लगा दिया वन एम्पियर का तो ये बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा ढंग से तो हमें अप्लायंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूज डिसाइड करने पड़ेंगे कि यहां पे इसकी जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो सकता है वो कितना है उसके हिसाब से थोड़ा उससे हायर वैल्यू का फ्यूज हम लोग खरीदेंगे और लगाएंगे तो ये इसको इसके सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि अगर पैरल में लगाया जाएगा तो तो सर्किट को ब्रेक करेगा ही नहीं तो यहाँ पे इसको सीरीज में लगाया जाता है और जब इससे करंट फ्लो होगा तो वो हो ब्रेक हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड देर वॉन्ट बी एनी करंट इन दिस अप्लायंस क्लियर है तो ये दीज आर सम सम्लिकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो इस इसपे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बट दोज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास थैंक यू